अगला सवाल हमारे पास है इस समय अभिजीत का, पुणे से। बताइए अभिजीत, आप क्या जानना चाहेंगे? अभिजीत आपका सवाल क्या है? लगता है ठीक से इनसे संपर्क नहीं जुड़ पाया है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है वेल्समन इंटरप्राइजेस के बारे में। 750 शेयर इनके पास हैं, खरीदारी का इनका जो भाव है 63 रुपये का, तो इस समय तो लगभग 50 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। आज के कारोबार में इसने काफ़ी अच्छी उछाल दर्ज की है, 9% के आसपास की बढ़त इसने दिखाई है, लेकिन इस उछाल के बाद, इस बढ़त के बाद अभी क्या ये माना जाए कि जो इसने एक लगातार एक लंबा डाउन ट्रेंड देखा है, खासतौर पर 78 के आसपास के भाव से फिसलने के बाद, लेकिन उस कमज़ोरी में भी इसने एक तरीके से अपना एक लोअर ट्रेंड लाइन बनाने की और उस लाइन को बचाने की इसने कोशिश की थी, तो फिलहाल अभी इसको लेकर के नजरिया क्या रहेगा ब्रजेश आपका? देखिए राजीव जी, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिहाज से स्टिल अभी भी चार्ट में कुछ ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है और अभी भी स्टिल डाउनवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। कोई उछाल आता है तो एग्जिट की ही सलाह रहेगी। रही बात नीचे सपोर्ट की, जिसका स्टॉप लॉस बनाइए वो लगभग 45 के आसपास का है, उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलिए। अपसेट की मैं बात करता हूँ, लगभग 55 से 58 रुपये का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ पर ये एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे नहीं दिखता कि स्टॉक में कोई और पोटेंशियल है कि ये 60 क्रॉस कर पाए। तो एक बार वो जो लेवल आता है 55 to 58 के बीच का एक जो बैंड है वो रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करेगा, आप वहाँ पर एग्जिट कीजिए। जी अब अगला सवाल हमारे पास है इसमें अलका का, लखनऊ से। बताइए अलका जी क्या सवाल है? हाँ मेरा सवाल है, मैंने मारुति लिया है 4300 पे जी, 20 शेयर जी, तो मैं क्या करूँ अब उसको बताइए। मेरा वैसे तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा जी, लंबी अवधि के हिसाब से इन्होंने खरीदारी की है और जो इन्होंने खरीदारी की है वो काफी ऊंचे भाव पे की है, लेकिन अब कम से कम गनीमत यह है कि जो इसने नीचे के स्तर देखे थे वहां से संभलना शुरू कर दिया है और इसने एसयूवी सेगमेंट में अपनी एक नई गाड़ी भी शुरू की है, विटारा का एक नया मॉडल पेश किया है। फिलहाल ब्रजेश क्या लगता है मारुति को लेकर के, इनका भाव कब तक लौटता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए लगभग 4700 रुपये के आसपास से इसमें बिकवाली आई थी और नीचे में लगभग 3200 के आसपास ने इसने लो बनाया था, वहाँ से एक उछाल देखने को मिला है। क्योंकि इनकी अवधि लंबी है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 साल के आसपास तक की इनकी अवधि है, तो 3100 के आसपास का एक सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, एक उसका स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। अगर कोई मान के चलिए अगर कोई ब्रेक भी आता है तो 2800 का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो इन ये दो सपोर्ट को लेके होल्ड ऑन की ही सलाह रहेगी। रही बात कोई अगर कोई इस लेवल पे या थोड़ा और अगर डिप आता है तो एक्यूमुलेट कर लें थोड़ा सा, 3800 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन एक है जहां पर सप्लाई देखने को मिलेगी। एक बार अगर वो लेवल क्रॉस हो गया तो 1 से 1.5 साल में आपको 4500 से 4800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं दोबारा, तो होल्ड ऑन की ही सलाह रहेगी। अगर कोई डिप आता है तो एक्यूमुलेट कर जरूर कीजिए। जी अब अगला सवाल हमारे पास है संगीता मित्तल का, दिल्ली से, और इन्होंने SMS के जरिए अपना सवाल भेजा है, हमें सन फार्मा के बारे में पूछा है। शायद ये हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं। संगीता आप हमें सुन पा रही हैं क्या? हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। जी बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ मेरे पास सन फार्मा के 25 शेयर है 1200 के रेट पे जी। हाँ जी, तो इनको मैं होल्ड रखूँ या फिर किसी और स्विच कर लूँ मैं शेयर? जी 1200 पे आपने खरीदा है जी, तो खरीदारी तो आपकी ऊंचे भाव पर है, लेकिन अब और अगर इसमें समय देना हो कब तक आप रुक सकती हैं इसमें? दे सकते हैं लोग 1 साल दे सकते हैं जी। साल भर के हिसाब से क्या आपको लगता है ब्रजेश की, अगर इसमें सनफार्मा में अभी ये रुके रहें तो इन्हें कम से कम अपना घाटा कम करने में और वापस फायदे में आने में मदद मिलेगी? देखिए अगर इनकी अवधि लंबी है तो होल्ड ऑन की सलाह रहेगी, लगभग 9 से 12 महीने के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो चार्ट में थोड़ा सा नेगेटिविटी ही दर्शा रहा है स्ट्रक्चर वाइज, ये जो करंट लेवल चल रहा है लगभग 900 साढ़े 900 का है, रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा क्योंकि इनकी अवधि थोड़ी लंबी है, तो मेरी सलाह इनके लिए यही रहेगी कि थोड़ा डिप आता है तो एक्यूमुलेट करिए। 700-725 की बैंड का एक अच्छा एक सपोर्ट एक है, उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलें। अपसेट में लगभग आपको 1050 से 1100 तक के लेवल आपको 9 से 12 महीने में देखने को मिल जाएंगे, तो आप होल्ड ऑन रहिए अगर आपकी अवधि 1 साल के ऊपर की है।